आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में अलग अलग सरकारी विभागों के 5 अधिकारियों की असमय मौत हो गई है। हादसा उमरिया से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मझगवा के समीप हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकराई है। हादसे के वक्त कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि कार में सवार 5 लोगों की एक एक कर मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में शहडोल जिले में पदस्थ खनिज विभाग के इंस्पेक्टर, जिला पंचायत के अधिकारी व लोक सेवा के प्रबंधक सहित सब इंजीनियर शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह सभी लोग बीती रात्रि उमरिया से शहडोल वापस लौट रहे थे। घटना के संबंध में धुनघुटी चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि बीती रात तेज रफ्तार कार उमरिया से शहडोल की तरफ जा रही थी और कार जैसे ही ग्राम मझगवा के समीप पहुंची तभी अचानक आए मोड़ में अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में शहडोल में पदस्थ खनिज इंस्पेक्टर उपेंद्र तिवारी, अवनीश दुबे जिला प्रबंधक लोक सेवा, प्रकाश जगत जिला पंचायत शहडोल, दिनेश सारीवा सब इंजीनियर गोहपारू एवं अमित शुक्ला सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की सांसें चल रही थी जिन्हें शहडोल लाया गया, लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही उनकी भी मौत हो गई। मृतकों में 3 शवों का पीएम उमरिया के पाली में कराया जा रहा है, जबकि 2 का पीएम शहडोल में ही किया गया है। इस भीषण सड़क हादसे में शहडोल जिले में पदस्थ अधिकारी वर्ग के 5 लोगों की मौत से अब जिला प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पुलिस ने मर कायम कर मामले को जांच में लिया है। अच्छा।